हेलो एवरीवन, अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अशफाक शेख, वेल्डर ट्रेड इंस्ट्रक्टर। आज हमारा टॉपिक है एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन जॉब में इसलिए किया जाता है, जब हम वेल्डिंग दो मेटल को एक साथ जब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो ऊपर से करते हैं, यानी मेटल के ऊपर से। अगर मेटल की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो तो नीचे मेटल नहीं आता है, डिपॉजिट मेटल नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से जॉब में मजबूती नहीं होती और एक इम्पैक्ट पर ये टूट भी सकता है। तो जॉब में मजबूती आने के लिए हमको मेटल नीचे तक लेके जाना पड़ता है, जिसको पेनिट्रेशन भी बोलते हैं हम लोग, रूट रन भी बोलते हैं उसको, वो नीचे तक आना चाहिए। इसके लिए हमको जॉब में कुछ एज प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। अगर हमारे पास प्लेट 1 से 4 mm के बीच की अगर हमारे पास प्लेट है, तो उसके लिए सीधा स्क्वायर बट ज्वाइंट किया जाता है, यानी जॉब के एजिस को हम लोग राइट एंगल में लिया जाता है। अब वेल्डिंग जब हम लोग इस पर करेंगे तो वेल्डिंग खुद ब खुद ये नीचे तक आ जाएगी, ऐसा ये हमारा ज्वाइंट मजबूत हो गया। अगर 5 mm के ऊपर अगर हमारी प्लेट है, 5-10 के आसपास हमारी अगर प्लेट है, तो हमको सिंगल वी बट ज्वाइंट करना पड़ेगा। सिंगल वी के लिए हम लोगों को ड्राइंग जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी। अगर हमारी प्लेट 10 mm से ऊपर की प्लेट है, तो हमारी जो एज, हमारा प्लेट में जो एज गिरेगा वो डबल वी बट जॉइंट होगा। डबल वी बट जॉइंट देखिएगा कैसा, इस तरह से वो रहेगा। इसी तरह से हमारा सिंगल जे भी आता है, पहले बेवल आएगा। अगर हमें एक प्लेट के ऊपर एज प्रिपरेशन नहीं करना है, कभी कभी जॉब ऐसे आते हैं कि वन साइड ही हम लोगों को एज प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो इस तरह से भी हम लोग करते हैं। ये सिंगल बेवल बट जॉइंट है, ये भी अबाउट 5 mm से ऊपर हम लोग कर सकते हैं, 5 mm से 10 mm के बीच में, ठीक है। इसमें अगर हमारी प्लेट ज़्यादा मोटी है, थिकनेस में ज़्यादा है, जैसा 10 mm से ऊपर है, तो डबल बेवल भी आ जाएगा, ऐसा उसकी जो ड्राइंग होगी कुछ इस तरह से रहेगी। डबल बेवल, इसको डबल बेवल बोलते हैं। अगर हमारे जॉब के अंदर और ज़्यादा थिकनेस की प्लेट है, जैसा अबव अपना जाता है 25 mm के ऊपर, अगर हम लोग जा रहे हैं 25-30 mm के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो सिंगल जे हमारे को करना पड़ेगा, जो इस तरह से इसकी फिगर होगी, सिंगल जे। अब ये सिंगल जे में इस तरह का ये कर्व भी आया है, इसका जो रेडियस होगा हमारे पास 5 mm का रेडियस रहेगा, ये हमारा R है, 5 mm का इसका रेडियस रहेगा। इसी तरह से प्लेट की थिकनेस और बढ़ रही है तो डबल जे आएगा, डबल जे इस तरह से हमें को दिखेगा। कुछ इस तरह से वो दिखेगा डबल जे। सेम थिकनेस अगर प्लेट होगी तो हमारा यू भी दिखेगा, ये अल्फाबेट इंग्लिश का यू के जैसा दिखेगा। ओके, अब इसमें एक बात ये होती है कि हमें ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग रूट फेस, ये सब में वही रहेगा, रूट
फेस। ये रूट फेस कितना होना चाहिए, 1 mm से लेकर 1.5 mm मैक्स टू मैक्स, ये 2 mm भी रखते हैं। और इसका जो गैप होगा, जैसा ये यहां पर गैप मैं आपको दिखाता हूं, ये जो गैप रहेगा इसको बोलते हैं रूट गैप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रूट गैप। रूट गैप जो रहेगा ये भी हमारा 1 mm से लेकर 1.5 mm के बीच में रहेगा। ओके, अभी हम लोग ने एज प्रिपरेशन देखा, ये एज प्रिपरेशन क्यों करते हैं वो हम लोग ने जाना, कि हम लोगों को जो मेटल ऊपर से जो डिपॉजिट करते हैं वो मेटल हमारा नीचे आना चाहिए, जॉइंट बराबर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग एज प्रिपरेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।